इस वक्त इजराइल हमास में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद एक देश दुनिया की नज़र में बहुत ज्यादा आ रहा है और वो देश कोई और नहीं है बल्कि कतर है। कतर को आप देखेंगे तो दो बड़े देशों के बीच में ये सैंडविच बनने वाला देश, छोटा सा देश कतर है, एक तरफ सऊदी अरब है दूसरी तरफ ईरान है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कतर के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो डॉक्टर एस जयशंकर का भी आ गया है बयान। जानेंगे क्या है मामला और 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई को लेकर क्या खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल के संग हुआ, अचानक से हमास ने जिस तरीके से रॉकेटों की बारिश कर दी है, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और आपको बता दें रूस का S-400 जो बाकी दो बचे हुए हैं उसको आने में अभी काफी वक्त है और कब तक आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर भारत क्या करेगा? आपको बता दें अचानक से प्रोजेक्ट कुसा, ये जो नाम सामने आया है, इस नाम ने हड़का दिया है कई ऐसे संगठनों को जो हमास और हिजबुल्ला से प्रेरित थे। जानेंगे क्या है प्रोजेक्ट कुसा और कैसे ये सारे हथियारों को मात दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा हमने कहा कतर एक छोटा सा देश, इस छोटे से देश ने अपना राज बढ़ाने के लिए, क्योंकि असल में इसे डर लगता था। किससे डर लगता था? इसे डर लगता था कि कहीं सऊदी अरब इसे खाना जाए या फिर ईरान इसे खाना जाए। दोनों ही बड़े बड़े देश हैं, ये छोटा सा देश है। मात्र 26 लाख की तो इसकी आबादी है, उसमें से भी मात्र 60% ही कतरी है, बाकी 40% लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग देशों से हैं। तो ऐसे में कतर को कब्जे में लेना सऊदी के लिए या ईरान के लिए ज्यादा मुश्किल भरा नहीं होता। पर कतर ने रास्ता अपना लिया। कतर ने क्या किया, तेल गैस के भंडार से $475 बिलियन करीब करीब इसने इधर उधर लगाना शुरू कर दिया। इसने दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में निवेश कर दिया। इसने फुटबॉल क्लब, बहुत सारी चीजें, अल जजीरा, ऐसे चैनलों को बनाना शुरू कर दिया जो इसे मैप में जिंदा रखे, यानी इसके अस्तित्व को बनाकर रखे कि हाँ कतर नाम का देश है। धीरे धीरे अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए कतर ने एक नया रास्ता ढूंढा और कतर ने धीरे धीरे जिन संगठनों को आतंकी संगठन कहा जाता है, ज्यादातर ऐसे संगठनों के ऑफिस बनाने शुरू कर दिए कतर के अंदर। और ये अरब देशों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर तब तक ये अरब देशों का मामला था तो UK और अमेरिका उतना ध्यान नहीं देते थे। पर हमास ने जो कांड कर दिया, हमास आपको बता दें UK और अमेरिका के द्वारा एक आतंकी संगठन घोषित किया गया है। हालांकि भारत ने अभी तक हमास को आतंकी संगठन नहीं घोषित किया है, पर UK और US जब ये देख रहे हैं कि उनके अलाय के ऊपर हमला हो रहा है तब वो ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब कतर से उन्होंने कहा है तुम हमास के साथ अपने रिश्तों को एक बार फिर से देखो। आपको बता दें ये अभी टोन डाउन करके बात हो रहा है। कतर को नाटो देशों के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में माना जाता है 2022 से। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में इसने अमेरिकी सैनिकों को निकलने में मदद की थी। पर अभी जो केस है ये केस है भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों का, जिस पर कतर क्या कर रहा है ये जल्दी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। हाँ ये आरोप जरूर लग रहे हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यहाँ पर कतर के साथ मिलकर भारत के पूर्व नौसैनिक अधिकारियों के ऊपर झूठे आरोप लगवा रही है। अब क्या है मामला, ये मामला बहुत संवेदनशील है इसलिए बहुत सारी चीजें निकल कर सामने नहीं आ रही हैं। पर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में एक बयान दिया है, ट्विटर पर एक ट्वीट साझा किया है जिसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया है कि देखो डिप्लोमेटिक चैनल उतर चुका है और हम बातचीत कर रहे हैं, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम उन्हें छुड़वाएं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने उनके परिवार वालों से बातचीत की है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इस पर काम कर रहे हैं। ये बता रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर खुद इस मामले पर बहुत गंभीरता से और बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। आशा किया जाता है कि कतर ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा जिस फैसले से भारत आहत हो, क्योंकि भारत ने कई मौकों पर कतर की मदद भी की है। खैर
जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि हमने रूस को S-400 का ऑर्डर दिया है, रूस ने 3 ऑर्डर तो पूरे कर दिए, लेकिन 2 ऑर्डर इस वक्त ऐसे हैं जो लटके पड़े हैं। अब ये 2 ऑर्डर कब पूरे होंगे और कब भारत के पास आएंगे कहना मुश्किल है। जो 3 मिले हैं उन 3 की तैनाती चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के पास की जा चुकी है, लेकिन क्या हो अगर लो रेंज की और मान लो आप स्टील फाइटर जेट आने लगे तो फिर कैसे संभाला जाए? या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला ने 2,00,000 रॉकेट और मिसाइलें तान रखी है, हो क्या रहा है? हिजबुल्ला और हमास जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसे दुनिया के कई ऐसे संगठन हैं, आतंकी संगठन हैं, जो बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जैसे तालिबान ने टेक ओवर किया जब अफगानिस्तान का, तो बहुत सारे आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ गया और उन्हें भी लगा कि वो किसी भी देश पर कब्जा कर सकते हैं और वहां पे शासन चला सकते हैं। तो वैसे ही हिजबुल्ला और हमास का जो केस है उस पर दुनिया के आतंकी संगठन नजर गड़ा कर बैठे हुए हैं। कुछ दुनिया के ऐसे आका भी हैं जो इन संगठनों को चलाते हैं, वो भी नजर गड़ा कर बैठे हुए हैं कि आगे रणनीति कैसी बनानी है, कैसे हजारों रॉकेटों की बारिश करवा देनी है, कैसे एक साथ कई मिसाइलों को दाग देना है। तो आपको बता दें, भारत सरकार इस बात को हालांकि इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही समझ गई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, और भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वो भी मिशन मोड में। मिशन मोड का मतलब हो गया कि इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और इसमें जो भी खर्च लगेगा वो देने को तैयार है भारत। तो मिशन मोड में इसे बनाना शुरू किया गया। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया प्रोजेक्ट कुसा, और जब ये प्रोजेक्ट के फीचर्स सुनेंगे आप तो आपको एक बार को लगेगा कि बिल्कुल ये तो उस S-400 से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आपको बता दें, सबसे पहले इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी मारक क्षमता 80-90% तक, जो बहुत बेहतरीन है। दूसरी, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है इस वक्त 350 किलोमीटर। हालांकि 3 रेंज की बनाई जा रही है, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, यानी हर तरह का ऑप्शन हमारे पास तैयार मिलेगा। और इसकी खासियत जानिए, सबसे बड़ी खासियत है कि ये लो रडार क्रॉस सेक्शन, यानी ऐसे विमानों को भी पकड़ सकेगी जो स्टिल्थ हैं। विमान, मिसाइल, ड्रोन, कुछ भी आसमान में हो, जो खतरा बन रहा हो, इसे ये तबाह करने में सक्षम है। आपको बता दें, भारत सरकार बहुत तेजी से इन प्रोजेक्ट पर खर्च कर रही है, फिर भी अभी इसे आने में वक्त है। 2028-2029 तक हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। हालांकि ये ऑर्डर भी दिया गया था मई 2022 में, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 2028-29 फिर भी बहुत तेजी से ये प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।